हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। सो वेलकम दोस्तों, डिड यू नो में आज हम सच जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जो आने ही वाला है, अब विद इन अ वीक इट विल बी हेल्ड। एंड आज मुझे इस्कॉन टेम्पल से मेरे ऑफिस में कुछ लोगों ने विजिट किया, पर्सनली उन्होंने मुझसे मीटिंग की एंड दे इनवाइटेड मी फॉर द ओकेजन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी विच विल बी हेल्ड एट इस्कॉन टेम्पल रोहिणी। रोहिणी सेक्टर 25 में सिचुएटेड है एंड दिस इज़ द एड्रेस। फ़ोन नंबर्स भी कुछ आपको गिवन है। सो कृष्ण जी का, जो लॉर्ड कृष्णा का जन्म का उत्सव है जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी सेलिब्रेट होता आया है और बहुत ही अच्छा आपको धार्मिक सा फील भी देगा ये। और कहते हैं ना कि आप भक्ति में लीन होकर लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, तो उसके लिए आप सबसे ये विनम्र विनती है कि आप सब इस्कॉन टेम्पल रोहिणी में 7 सितंबर को ज़रूर ज़रूर अपनी प्रेजेंस इंश्योर कीजिए, एंजॉय कीजिए फेस्टिवल। तो ये कार्ड बहुत ही सुंदर लगा मुझे। इस पर एक तो बहुत ही सुंदर से लॉर्ड कृष्णा बने हुए हैं, आप ये देख सकते हैं उनकी इमेज है। बहुत क्लियरली उन्होंने इन्वाइट किया है, यू आर इन्वाइटेड श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7th of September। अब जैसे कि कृष्ण जी को माखन चोर कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको वाइट मक्खन की मटकियाँ भी मिल जाएंगी और मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है वाइट मक्खन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप में से किस किस का फेवरेट है ये वाइट बटर। अब हम आगे चलते हैं, हम कार्ड देखते हैं इसमें और क्या क्या ओकेजन्स हैं, आइए देखें। तो ये जो हमारे पास कार्ड आया है आज, इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि डियर फ्रेंड्स प्लीज़ एक्सेप्ट द हार्टियस्ट ग्रीटिंग्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ देयर लॉर्डशिप्स श्री श्री गौरानिता जी एंड श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा जी एंड श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी। वी वुड बी सेलिब्रेटिंग श्री कृष्ण जन्माष्टमी विद ग्रेट पॉम्प एंड ग्रैंडियर। तो ये उन्होंने इनवाइट किया है। स्पेशल अट्रैक्शन क्या क्या रहने वाला है हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर रहने वाला है एस्थेटिक संकीर्तन, रॉक बैंड, डांस ड्रामा, कृष्ण फूड बाजार, डिस्कोर्स 5 PM टिल मिडनाइट। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि यूजुअली ना यहाँ पर जो इंडिया में हमारे यहाँ पर परंपरा है वो क्या है कि जन्माष्टमी के उत्सव पर बहुत सारे जो लोग हैं वो फास्ट करते हैं एंड 12 AM दैट इज़ मिडनाइट, एट मिडनाइट भोग लगाया जाता है कृष्ण जी को। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि 5 PM से देयर विल बी सेलिब्रेशन एंड टिल मिडनाइट इट विल बी डन, टिल मिडनाइट, बिकॉज मिडनाइट पे जब लॉर्ड कृष्णा का जन्म होता है तो उन्हें भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम टाइमिंग्स देख सकते हैं, मंगला आरती 4:30 AM से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो ज़रूर आइए, यहाँ पर 4:30 बजे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन डिफरेंट डिफरेंट इनकी आरती एंड पूजा कथा सब कुछ है। भोग ऑफरिंग 12 midnight जैसे कि मैंने आपको बताया, महाआरती अगेन 12:15 midnight। ओके, सो यहाँ पर अगेन लॉर्ड कृष्णा विद ये जो उनकी फेवरेट हमारी गाय माता होती हैं उनके साथ हैं। तो ये आगे इन्होंने इस्कॉन टेम्पल के बारे में थोड़ा सा और एलेबोरेट करा है। 8 September फ्राइडे को भी सेलिब्रेशन होने वाला है एंड ये भी इन्होंने बताया है। कुछ फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं जो इस्कॉन टेम्पल के हैं स्पेसिफिकली। गाइज, इस्कॉन टेम्पल जो है ना बहुत ही वाइडली स्प्रेड रेंज ऑफ टेम्पल्स है, आप इसे इंडिया में एब्रॉड में देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने वृंदावन विजिट किया हो तो वृंदावन में जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर फॉरनर्स का क्रेज इंडियन से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों अपनी परंपरा को मत भूलिए, बी इंडियन, बी एक धार्मिकता होती है ना उसको मत भूलिए। देखिए अब एक और हमारे पास कार्ड है जो है राधा जी से रिलेटेड। यू आर इनवाइटेड
महाउत्सव 2023 श्री राधा अष्टमी। सो ये जो है ये राधा जी के जन्मोत्सव का बताया जा रहा है यहाँ पर कि श्री राधा अष्टमी 23rd of September 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा अगेन इस्कॉन टेम्पल सेक्टर 25 रोहिणी का एड्रेस है। सो यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स हैं जो हम देख सकते हैं। अगेन कीर्तन है 5 PM ऑनवर्ड्स, अभिषेक 5:30 PM, छप्पन भोग 6:30 PM, गौर आरती 7 PM, लेक्चर 7:30 PM। ये कुछ इंस्पिरेशनल थॉट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। एंड देन प्रसादम 8:30 PM। प्रसादम गाइज, प्रसादम इज रियली वेरी टेस्टी इस्कॉन टेम्पल। आप मैं आपको ऐसा शेयर करती हूँ, अभी तक मैं वृंदावन वाले इस्कॉन टेम्पल गई, देन मैं रोहिणी वाले इस्कॉन टेम्पल गई, एंड एक पंजाबी बाग में भी इस्कॉन टेम्पल है, मैं वहाँ पर भी गई। सो रोहिणी वाला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है थोड़ा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते अंडर कंस्ट्रक्शन बिकॉज पूरा इस्टेब्लिश्ड है, बस थोड़ा सा एक उनका जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा और कंस्ट्रक्ट हो रहा है बिकॉज बहुत ही विशाल इनका इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर इंजॉय करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि पीस ऑफ माइंड यू विल बी अचीविंग दैट सेंस ऑफ कंटेंटमेंट दैट यस आज मैंने कुछ अच्छा करा लाइफ में। सो जैसे कि आप लोगों ने कलर्स टीवी पे आता था राधा कृष्ण, उसमें भी राधा कृष्ण की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया, तो अगर कुछ लोगों ने वो देखा और दे गेट वेरी मच इंस्पायर्ड थ्रू दैट, इवन आई वॉच दैट टीवी सीरियल एंड आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड थ्रू दैट। एंड करेंटली इफ यू विल बी फॉलोइंग एनी गॉड एनी डीटी, तो आप लॉर्ड कृष्णा को भी ज़रूर एक बार फॉलो कीजिए, मिल कर आइए इस्कॉन टेम्पल में। तो ये जो है अभी जैसे हमने बात की थी प्रसादम, तो आज जब उन्होंने मेरे ऑफिस में विजिट किया तो इनिशियली दे सेड कि भाई हम इस्कॉन टेम्पल से आए हैं एंड वी वांट टू मीट समबडी ओवर हियर हु हैव ऑलरेडी लाइक विजिटेड और हु नो अबाउट इस्कॉन टेम्पल। तो अब वो हमें यहाँ पर प्रसादम भी देकर गए साथ में। सो दे टोल्ड कि ये लॉर्ड कृष्णा का प्रसादम है एंड इट इज़ लाइक दिस, ये उन्होंने हमें केक दिया, दिस इज़ ड्राई फ्रूट केक। एंड मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा केक उन्होंने हमें दिया। ये मेरी सिस्टर ने और मैंने मिलकर, ये मेरी सिस्टर फिर से आ रही है और हम दोनों, इसकी पैकेजिंग भी बहुत सुंदर थी इनिशियली हमने देखा, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी, ऑफिस से हम लाए इसे घर पर, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था एज अ प्रसादम। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये केक, बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट, इसमें जो स्वीटनेस है वो भी बहुत अच्छी है और सॉफ्ट भी है। ऑब्वियसली दोस्तों अगर ये लॉर्ड कृष्णा का प्रसादम है तो ये टेस्टी तो होगा ही होगा। तो ये कुछ हमें वहाँ से प्रसादम मिला था। अब देखो मैं इसे ऑलरेडी खा चुकी हूँ, मुझसे वीडियो बनने तक का वेट नहीं हुआ एंड ये इतना टेस्टी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए थोड़ा सा ज़रूर रखा है। तो आप भी जाइए अब जब जन्माष्टमी का उत्सव सामने है, कार्ड आपके सामने हैं, तो देखिए ये मुझे कार्ड मिला, मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जाएंगे एंजॉय करेंगे उनके लिए उतना अच्छा रहेगा। सो आप प्लीज़ विज़िट कीजिए सारे, एंजॉय कीजिए, एंड कुछ भी डाउट्स हों, क्वेरीज हों, यू ऑल कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी एंड आई एम ऑलवेज ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चन, सो फील फ्री। Okay, so I hope I have covered everything and thank you so much for watching our channel. Beech mein guys thoda sa connection break ho gaya tha, I know, because I got a little bit busy with my day-to-day activities. So now I'll try ki main aapke sath sare updates टाइमली शेयर करूं, इसलिए मैंने ये 7th of September को है तो आज 1st of September को शेयर कर दिया है। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना ना भूलें, उनके सबके साथ जाना ना भूलें, और भूलेंगे भी कैसे, इस्कॉन टेम्पल की बात है, सब जाएंगे, टाइम से जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस वीडियो एज वाइड एज पॉसिबल।
मास रीत जब होगी ना तो वहां पर लोगों को आनंद आएगा आरती करने में, मिलजुल के सेलिब्रेट करने में, ठीक है। तो शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच। ये मेरी सिस्टर फिर से आ गई है, मुझे इसका हाथ हटाना पड़ता है। नो, यू कैन टेक दिस, ऑब्वियसली प्रसादम हमें शेयर करना चाहिए, आप लोग भी खाइए एंड मिलते हैं, फिर मिलते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।